अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो कल से आपको पता है कि जेके बोपी बी टेक बी की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने जा रही है, ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। इस बीच कल किस किस को जाना है, काउंसलिंग कैसे होनी है, किस कितने बजे आपको जाना है, क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको वहाँ पर ले जाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, जो भी अपडेट होगा आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए कल सैटरडे है, कल जिस कैंडिडेट की रैंक 1 से लेके 500 है उन्हीं कैंडिडेट्स को जो है वो कल बोपी ऑफिस श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू, अगर आप जम्मू से हैं तो बोपी ऑफिस जम्मू चले जाएं, लद्दाख से हैं तो जम्मू जा सकते हैं, कश्मीर से हैं तो बोपी ऑफिस श्रीनगर आप जा सकते हैं। तो 500 तक जिन कैंडिडेट्स की रैंक है वो यहां पर जाना है। अब रैंक कैसे आपको चेक करनी, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड कर दीजिए पीडीएफ, उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो वहां पर आपको जाकर चेक करना है आपकी रैंक जो है वो सीरियल नंबर आपका क्या है, जिसका 1 से लेके 500 है वो कल चला जाए। ठीक, तो कल जब आप चले जाओगे वहां पे तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने रख लेना है वो यहां पे आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 12th क्लास की मार्कशीट आपको रख लेनी है, उसके साथ साथ डोमिसाइल आपको ले जानी है जम्मू कश्मीर की, लद्दाख से अगर आप हैं तो एसटी सर्टिफिकेट आपकी उसमें लग जाती है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो ले जाइए, ट्यूशन फी वीवर यानी कि टीएफडब्ल्यू अगर आपके पास है, जिसको हम इनकम सर्टिफिकेट भी कहते हैं, 4 लाख बिलो जिनकी इनकम होती है उसी को ट्यूशन फी वीवर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो वो भी अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं उसको भी। और उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो जम्मू कश्मीर बोर्ड की होगी आपको, या सीबीएसई बोर्ड की होगी या कोई और बोर्ड होगा 10th या 12th की, आप ले जा सकते हैं वो भी। तो वो यहाँ पर आपको ये कुछ 4 डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर बोपी ऑफिस ले जाने हैं। तो देखिए जो लिस्ट ये मैं मतलब कल रिवाइज होके आई है, पीडीएफ आपका आया है, उसमें कुछ कैंडिडेट्स के उसमें नाम नहीं होंगे, उसमें उन कैंडिडेट्स के नाम नहीं है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके उन्होंने नाम रिमूव किए हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स डेफिशिएंट थे। तो आपको 2 बार टाइम दिया गया था कि डेफिशिएंसीज को क्लियर कर लो, आपके डॉक्यूमेंट जो डेफिशिएंट हैं तो वो आप बोपी ऑफिस श्रीनगर जम्मू आके ठीक करवा सकते हैं उसको, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स नहीं गए तो उनके नाम इसमें रिमूव कर दिए गए हैं, तो वो भी यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। तो टाइमिंग आपकी क्या रहने वाली है, फिजिकली काउंसलिंग आपकी है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही होगी वहाँ पे काउंसलिंग, तो जाना है लेकिन वहीं पे आपको वहीं पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपकी काउंसलिंग होगी। 8:30 बजे से लेकर 10 बजे 10:30 बजे के बीच में आपको बोफी ऑफिस चले जाना है, 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में आपको वहाँ पर पहुँचना है, आपकी अटेंडेंस होगी, आपकी बाकी वगैरह जो भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वगैरह होती है, काउंसलिंग का फॉर्म वगैरह होता है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, 10:30 बजे तक वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और अटेंडेंस आपकी जो मस्ट है वो और काउंसलिंग का फॉर्म आपको मिल जाएगा वो वहाँ पे आपको जो है वो देना लेना पड़ेगा। तो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल में आपको 1000 फी होती है, तो शायद इसमें 500 या 1000 रुपये उसमें फ़ी होगी, तो इसमें इन्होंने कहीं पे फ़ी मेंशन नहीं की है आपकी कि फ़ी कितनी है, तो भी आप अगर होगी तो 500 या 1000 इसमें फ़ी आपकी हो सकती है। तो 8:30 से लेकर 10:30 के बीच में आपको वहाँ पर जाना है और आपकी काउंसलिंग जो है आपकी रजिस्ट्रेशन वेरीफिकेशन वगैरह हो जाएगी। तो वेरीफिकेशन होने के बाद आपको फिर सीरियल वाइज आपके मेरिट के हिसाब से बुलाया जाएगा, तो आपको चले जाना है वहाँ पर, फिर आपको वहाँ पर कॉलेज का सीट मैट्रिक्स दिखा दिया जाएगा और आपको जो है वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से 4 या 5 कॉलेजेस रखने पड़ेंगे, उसमें से किसके कट ऑफ में आप आ जाते हो वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट काउंसलिंग जो है जिस कैंडिडेट की कल काउंसलिंग है, अगर वो कल वाली काउंसलिंग जो है वो मिस करता है तो उसको फिर नेक्स्ट डे जो है वो जा सकता है, अगर कोई सॉलिड रीजन उसका है। उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स को कल कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे फर्स्ट राउंड में, 3 दिनों में कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे जब सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी 4th या 5वें दिन आपकी, तो उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो है वो कॉलेज अलॉट हो गया, वो अपना कॉलेज ज्वाइन नहीं करता है, तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा फिर सेकंड राउंड के लिए। इसलिए जो भी कॉलेज आपको मिल जाएगा आपने उसमें जो वो एडमिशन करना है, फिर कॉलेज अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप अपग्रेडेशन जो सेकंड राउंड में होता है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सीट मैट्रिक्स आपका जो है वो काउंसलिंग से पहले आ जाएगा, यानी कि आज शाम तक आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसकी कल काउंसलिंग है, अगर वो वहाँ पे जा नहीं पाता है, कोई प्रॉब्लम है या बीमार है या घर से बाहर है कहीं, तो वो किसी अपने जो हो मतलब फैमिली में से किसी को या फ्रेंड वगैरह को भेज सकता है वहाँ पे, अथॉरिटी लेटर उसके पास होनी चाहिए, जो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा जेके बोपी की वेबसाइट पर, तो वो आपको ले जाना है वहाँ पर, उसको सबमिट करके आप अगर आपका कोई मसला है तो आप जो है वो वहाँ पे जा सकते हैं, तो कोई मसला उसमें है नहीं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप घर में से किसी को भी यहाँ पे भेज सकते हैं। तो ये था काउंसलिंग का प्रोसेस, ये थी काउंसलिंग की गाइडलाइन जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एंड आई होप अभी आपको समझ आ गया, मैंने सारे डिटेल में आपको समझा दिया कब जाना है क्या जाना है। जो दूर के कैंडिडेट्स हैं तो वो कोशिश करें वो आज ही चले जाएंगे बोपी ऑफिस, जैसे
लद्दाख के कैंडिडेट्स होंगे उनको जम्मू में काउंसलिंग होगी, तो वो कोशिश कर आज निकलने की वहाँ पे, या श्रीनगर अगर वो उनको आना होगा तो कोशिश करना आज, क्योंकि 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में जो है आपको वो आपकी अटेंडेंस वगैरह काउंसलिंग का फॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने टाइम काफ़ी कम दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स को, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी इसमें मंडे को दिवाली भी है और मंडे को जहाँ पे काउंसलिंग भी है, तो काउंसलिंग ये कैंसिल नहीं करेंगे, तो आपको काउंसलिंग जो है वो जाना ही, काउंसलिंग में जो वो पार्टिसिपेट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनकी बाकी कोर्सेज की काउंसलिंग जो है वो पेंडिंग है, इसलिए इन्होंने जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को स्टार्ट किया और संडे को भी इन्होंने रखी और मंडे दिवाली के दिन भी इन्होंने काउंसलिंग अपनी रखी है। तो चलिए फिलहाल हम वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। ये था काउंसलिंग के बारे में वीडियो जो मैंने डिटेल में समझा दिया। कोई कन्फ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में